for all the infotainment across digital content. Subscribe to Digital Commentary. यार टीवीएफ का जो लेवल है राइटिंग का उसको मैच करना किसी नए राइटर के लिए थोड़ा मुश्किल हो, तो वी डिसाइडेड कि यार लेट्स स्टार्ट अनदर चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्क्रीन पत्ती। तो ये हमने उस आइडिया से शुरू किया था कि उस पे थोड़े एजी आइडियाज करेंगे, उसपे थोड़े बोल्ड कंटेंट करेंगे, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले क्राफ्ट को सीखना जरूरी है, डायरेक्शन हो या राइटिंग हो या कोई भी चीज हो। आई थिंक मैं बहुत मानता हूँ कि नॉलेज आप गेन कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे तो आपकी नॉलेज शार्प नहीं होगी। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में देखी होती हैं, बहुत कुछ पढ़ा होता है, बट वो सिर्फ यहाँ रहता है। अगर आप जब तक उसको अप्लाई नहीं करोगे, और वो अप्लाई आप कैसे करते हो? आप शॉर्ट फिल्म बनाते हो तो आपने कहीं कुछ देखा होता है, आप उस चीज़ को अप्लाई करते हो। वेलकम टू द शो अमृत। ये हमारा नया सेगमेंट है, नया प्रॉपर्टी जिसको हम द क्रिएटर शो बोलेंगे, जहाँ पे हम सिर्फ क्रिएटर से बातें करेंगे। सो वी हैव यू विद अस द फर्स्ट गेस्ट, फ्रेंड एंड मेंटोर। तो शुरू करते हैं। तो क्या चल रहा है लॉकडाउन में? थैंक यू क्षितिज, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर न्यू प्रॉपर्टी। यार लॉकडाउन में कुछ नहीं चल रहा है, सबके जैसे ही चल रहा है। थोड़ा ट्राई कर रहे हैं प्रोडक्टिव होने का और थोड़ी बहुत राइटिंग चल रही है। बट ये काफी ज्यादा, मतलब जिनको अगर यूज करना रहा होगा तो काफी ज्यादा ये फ्री टाइम मिला था लोगों को, मतलब अपना स्किल्स को डेवलप करने के लिए। आई गेस हां, आई थिंक कुकिंग स्किल्स तो सबकी डेवलप हो गई होंगी। वो तो भाई हाउसहोल्ड स्किल्स। तो हां नहीं, बट यू आर राइट। आई थिंक जैसे मैं अपनी बताता हूं, मैं काफी सारे डायरेक्टर्स को एक्सप्लोर किया, काफी सारी फिल्में, शोज, स्क्रिप्ट पढ़ने का टाइम मिल रहा है, अपनी चीजों पे काम करने का मौका मिलता है फाइनली। बिकॉज कहीं बाहर नहीं जाना है, किसी से मिलना नहीं है, किसी से ज्यादा बातें नहीं करनी है, कोई मीटिंग नहीं है, कुछ नहीं, तो पीस है। थोड़ा थोड़ा एंग्जाइटी भी होती रहती है, बट अब हो रहा है, काफी टाइम हो गया। हाँ राइट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, थोड़ा पीछे चलते हैं अपन। Tell us about your childhood, और कैसे ये फिल्म मेकिंग का कीड़ा कैसे लगा, और सीतापुर से बॉम्बे की जर्नी ऑडियंस शुड नो, सो टेल अस अबाउट इट। हाँ जी, तो सीतापुर में मैंने 10th तक की पढ़ाई वहाँ पे करी, उसके बाद मैं लखनऊ चला गया था। तो साइंस का स्टूडेंट था 11th 12th, और उसके बाद इंजीनियरिंग वही सेम, पता नहीं था क्यों करनी इंजीनियरिंग, लेकिन सबके जैसे कर रहे थे। तो फॉर्चुनेटली मेरा इंजीनियरिंग में हुआ नहीं कहीं, और उसी टाइम पे मेरा भाई बॉम्बे में था, ये 2010 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं पूछता रहता था उससे कि अगर कुछ नहीं हुआ लाइफ में या यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। तो क्योंकि उस समय इंजीनियरिंग में पैसा बहुत लगता था, मतलब कोचिंग करने के लिए भी, मुझे याद है आई थिंक मैं आकाश IIT बहुत बड़ी कोचिंग है इंडिया की, उसमें पढ़ता था, और उसमें 1.5 लाख कुछ 2 लाख रुपये फीस थी। तो बहुत टाइम तो आप लोग ये उस चक्कर में पढ़ रहे होते ना कि यार पापा ने पैसे भरे हैं, तो उस प्रेशर में कि यार उनको डिसअपॉइंट नहीं करना है, बट शायद तुम्हें पढ़ना नहीं होता है। मे बी को मैं भी पढ़ रहा था उसी उसने, और मेरा कहीं हुआ नहीं। तो मैंने अपने भाई से पूछा कि यार अब क्या करें, तो भाई ने बोला ठीक है यहाँ आ जाओ, देख लेंगे कुछ कर लेंगे। तो मेरा भाई मास्कॉम कर रहा था यहाँ पे, और फिर मैंने पापा को बोला कि मुझे भी बॉम्बे जाना है। और तो मेरा मेन मोटिव बॉम्बे जाने का सिंगर बनने का था, क्योंकि मैं सिंगिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था मेरा, और बचपन से ही मैं कैलाश के, हिमेश रेशमिया, इन लोगों की मिमिक्री कर मतलब थोड़ा मुझे मज़ा आता था, और इंडियन आइडल का मैं बहुत बड़ा फैन था। तो मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यार सिंगिंग तो करनी है लेकिन ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे मास मीडिया, जो सबसे आसान कोर्स है, मैंने ढूंढा कि सबसे आसान कोर्स कौन सा है, मैंने मास मीडिया करके, हाँ तो BMM करके कोर्स होता है बॉम्बे में, तो उसमें मैंने एडमिशन लिया। बांद्रा में कॉलेज है RD नेशनल। तो वहाँ जब उस कॉलेज में मैं गया, तब वहाँ से मेरी जर्नी जो थोड़ी बहुत आई थिंक सिनेमा की मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट था अंडरस्टैंडिंग सिनेमा, एक सब्जेक्ट था, प्रॉपर एक सब्जेक्ट था, और हमें सत्यांशु सिंह जो एक फिल्म मेकर है, उनकी चिंटू का बर्थडे AIB ने प्रोड्यूस किया है, और उन्होंने काफ़ी शॉर्ट फिल्म बनाई, एक नेशनल अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म भी बनाई है। तो ही वॉज माई फर्स्ट काइंड ऑफ मेंटोर इन अ सेंस, आई कैन से दैट। उस टाइम पे लाइफ में पहली बार मैंने वर्ल्ड सिनेमा देखा,
ऑल्दो बचपन में मतलब मुझे याद है मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे जुरासिक पार्क दिखाई थी और जब मैंने देखी थी तो मैं मतलब पागल हो गया था कि ये क्या, लेकिन तब ये नहीं था कि फिल्म मेकिंग में कुछ करना है। पहली फिल्म मैंने बॉर्डर देखी थी लाइफ में, पहली फिल्म अपनी जिंदगी की पहली फिल्म मैंने बॉर्डर देखी थी गांव में जमीन पे बैठ। उसके बाद डीडीएलजे और ये सारी फिल्में देखी थी और चाचा मेरे घर में आई थिंक कुछ कुछ सीडीज ले आके दिखाते थे, जैसे मैंने वीसीआर लगाते थे। हाँ वीसीआर क्या डीवीडी जो होती थी, तो मैंने बेनहर देखी हुई थी, मैंने मिशन इम्पॉसिबल देखी हुई थी, मैन इन ब्लैक देखी हुई थी, ट्रॉय देखी हुई थी, तो ये फिल्में देखी हुई थी। बट ऐसा कभी वो नहीं था कि फिल्मों की तरफ रुझान या कुछ करना है। तो अंडरस्टैंडिंग सिनेमा में जब वर्ल्ड सिनेमा देखा, मतलब मुझे अच्छे से याद है कि पहली फिल्म जो दिखाई गई थी वो पल्प फिक्शन थी। तो पल्प फिक्शन देखी, ब्रेथलेस देखी, सिटीजन केन देखी, सिनेमा पैराडिसो देखी, ये फिल्में जब देखी, बाइसिकल थीप देखी एक्चुअली। हाँ तो ये फिल्में देखी, ऑल्दो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे उसमें समझ में नहीं आ रही थी ये फिल्में, बट शायद सबकॉन्शियसली कुछ अंदर जा रहा था मे बी। तो बिकॉज मेरे लिए कल्चर शॉक था लखनऊ से बॉम्बे शिफ्ट होना और वहां पे जो लोग थे उनको समझ में आ रही थी, देवर लाफिंग ऑन पल्प फिक्शन जब चल रही थी तो वो जो जिस तरह की कॉमेडी है उसमें उसको हंस रहे थे और मैं ये सोचता था कि क्यों हंस रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता था। तो काइंड ऑफ शुरुआत वहां से ही, फिर हमें उसी सब्जेक्ट का जो हमारा असाइनमेंट था उसमें शॉर्ट फिल्म बनानी थी और उस शॉर्ट फिल्म जब बनाई तो उसके प्रोसेस में बहुत मजा आया और वो एक असाइनमेंट ही था और वो शॉर्ट फिल्म सबकी स्क्रीन हुई एक ऑडिटोरियम में। तो हमारी कॉमेडी शॉर्ट फिल्म थी तो ऑडिटोरियम में स्क्रीन हुई और मैं बैठा हूँ उधर ऑडियंस में, हमारी फिल्म चल रही है बड़े पर्दे पे, तो वो जो कम्युनिटी व्यूइंग का जो मजा था ना कि यार सब लोग देख रहे हैं और सब मतलब रिएक्ट कर रहे हैं जो तुमने कुछ बनाया है, आई थिंक वो जो फीलिंग थी वो कहीं ना कहीं अंदर रह गई कि यार ये जो चीज है ये शायद, हाँ ये शायद अच्छी लग रही है, ये जो अप्रिसिएशन मिल रहा है, ये जो अटेंशन मिल रहा है कहानी कह के कुछ, तो वो आई थिंक वहां से शुरुआत हुई। अभी कल ही मैं सत्यांशु सिंह का वो देख रहा था, बिल्डिंग कैरेक्टर्स करके एक वीडियो आया ना भट्ट के नए चैनल पे, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है मतलब कैसे कैरेक्टर को बनाते हैं। वो बहुत अच्छे टीचर हैं और मतलब इवन मैंने उसके कॉलेज के बाद एक स्क्रीन राइटिंग वर्कशॉप में भी पार्ट लिया था, कॉम्पिटिशन था, तो 2013 या 14 की बात है, तो उसमें मैंने एक आइडिया से अपना उसमें एक असाइनमेंट था मैंने भेजा तो मैं सेलेक्ट हो गया था। तो सत्यांशु सिंह एंड 8-9 अदर पीपल वर आल्सो देयर, तो उसमें मैंने पार्ट लिया था, ऑल्दो मैं निकल गया था सेकंड राउंड में तो बट सत्यांशु सर से सीखने बहुत मजा आता, काफी अच्छा पढ़ाते। तो टीवीएफ के बारे में थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ में थोड़ा ही बताओ हमें कि क्या कैसे जर्नी स्टार्ट हुई वहां पे, पहले क्या किया आपने, फिर कैसे शो मिला, ये थोड़ा ऑडियंस जानना चाहिए। टीवीएफ में एक्चुअली वो बीएमएम से ही मिला, टीवीएफ बीएमएम के लास्ट ईयर में हमारे कॉलेज का एक फेस्टिवल था कटिंग चार्ज जिसको बोलते थे और उसमें मैं जजेस की टीम में था, तो हमें जजेस ऑर्गेनाइज करने थे मतलब बुलाने थे। तो एक शॉर्ट फिल्म का कॉम्पिटिशन था, कॉमेडी शॉर्ट फिल्म का, तो उस समय मेरे किसी दोस्त ने बोला कि तुमने टीवीएफ के वीडियोज देखे क्या, तो मैंने उस समय ऑनेस्टली नहीं देखे थे, तो मैंने राउडीज देखा, फिर मैंने उस टाइम पे जो और वीडियोस एक थी बहन और जो सारे आए हुए थे कॉलेज क्यूटी आपा और ये सारी चीजें वो सब देखी, तो मैंने विश्वपति सरकार और आनंदेश्वर द्विवेदी को बुलाया कॉलेज में, तो वो एज अ जज आए थे वहां पे। तो फिर 2013 में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया था, तो अब मैं वेला था, मुझे काम चाहिए था, तो मैं उनके पीछे पड़ गया, मैं आनंदेश्वर द्विवेदी के पीछे पड़ गया कि सर मुझे कुछ काम करना है। तो उनके हाथ पर जोड़ने के एक महीने हाथ जोड़े मतलब उनको बहुत परेशान किया, तो फिर फाइनली उन्होंने ऑफिस बुलाया और तब बहुत छोटी टीम थी, मतलब लिटरली आई थिंक 8 या 9 लोग थे उस टाइम पे। वैभव बंधु जो टीवीएफ का म्यूजिक करता है वो उसने मैंने प्रेम और राघव भी दो डायरेक्टर्स हैं टीवीएफ के, हम चारों ने काइंड ऑफ एक साथ शुरू किया था उस टाइम। तो वहां से वो जर्नी शुरू हुई, वहां फिर काफी सारी चीजें सीखी, सारा कुछ करते थे हम लोग, एज एन असिस्टेंट भी काम करते थे, मैंने कॉस्ट्यूम भी किए हुए हैं, मैंने स्पॉट का काम भी किया हुआ है, हाँ मैंने कैमरा भी किया है, वैभव को असिस्ट किया है, गाने तो मैं गाता ही था टीवीएफ के लिए। तो वो जर्नी वहां से शुरू हुई, उसमें काफी सारी चीजें सीखने को मिली क्योंकि हम लोग छोटा ग्रुप था और छोटे ग्रुप में जब आप होते हो तो आप लोग सब जो भी वीडियो बन रहा है, जो भी चीजें हो रही है वो सब साथ में हो रही होती थी, नरेशन होते थे, जैमिंग होना। फिर आया, फिर ये हुआ कि
मतलब टीवीएस को थोड़ा और बड़ा करना था और लोग हायर करने थे, तो ये था कि यार टीवीएस का जो लेवल है राइटिंग का उसको मैच करना किसी नए राइटर के लिए थोड़ा मुश्किल हो. तो वी डिसाइडेड कि यार लेट्स स्टार्ट अनदर चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्क्रीन पत्ती. तो ये हमने उस आइडिया से शुरू किया था कि उस पर थोड़े एजी आइडियाज करेंगे, उस पर थोड़े बोल्ड कॉन्टेंट करेंगे, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. तो स्क्रीन पत्ती की शुरुआत हुई वहां से और मैंने 2-2.5 साल उसने क्रिएटिवली हेड किया उस चैनल को और आज स्क्रीन पत्ती तो आई थिंक काफी लोग जानते हैं शायद. So how was it, you know, heading a team of 20 plus people? मतलब क्या क्या उसके positives और negatives अब आपको लगते हैं कि रहे हैं? कैसा pressure होता था, मतलब execute कराने का, ये सब चीजें कैसी होती थी? एक तो leader होना ना बहुत task, मतलब बहुत बड़ा task होता है. मतलब अगर आप किसी team को lead कर रहे होते हैं और वो सबके बस की बात नहीं होती. तो अब मैं अपने बारे में पता नहीं, मैं बोल नहीं सकता कि मैंने कैसा काम किया, बट आई थिंक उस पीरियड में ये तो था कि मैंने कभी एज अ बॉस काम नहीं किया स्क्रीन पत्ती. मैंने एज अ फ्रेंड काम किया, मैंने एज अ कलीग, आई वाज जस्ट अनदर कलीग एंड ऑलमोस्ट जो भी एम्प्लॉइज थे या जो भी रहा, जो भी एज अ फ्रेंड मेंटोर भी नहीं, मतलब मैं खुद ही सीख रहा हूँ या सीख रहा था सब. तो मतलब साथ में ही करते थे और वैसा कभी होने नहीं दिया कि मतलब बॉस वाली फीलिंग कभी वो नहीं होने दी. तो मैंने कहा कि मैंने वही मेरा वही था कि यार मैं मेरे से लोग कंफर्टेबल रहे, मतलब मुझे आके लोग बोल सके कुछ भी. और तो हमने काफी एक्सपेरिमेंट किया और हमने काफी कंटेंट में एक्चुअली स्क्रीन पत्ती पे बहुत सारे फॉर्मेट ट्रैक किए हैं जो अभी तक और यूट्यूब चैनल्स नहीं कर पाए हैं. तो वो काफी मजा आया. डाउनसाइड और इसमें आई थिंक मैं श्रेयांश पांडे को भी क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि जब शेरी ने मतलब TSP ज्वाइन किया और तो बहुत सारा लोड मेरा कम हो गया. So in a way he was the bad cop, I was the good cop. Right. So मतलब लोग मेरे पास आते थे कि यार कुछ कराना है किसी को, ब्रांड टीम को कुछ कराना है तो अमृत को बोल दो, तो अमृत को, क्योंकि अमृत अंदर जाके वो कर लेगा. तो शेरी ने मतलब बैड कॉप का रोल प्ले किया और मैं गुड कॉप का रोल प्ले किया. ऑल्दो हमारे इंटेंशन दोनों के सेम थे कि टीम आगे बढ़े, अच्छा सा काम हो और वो सब चीजें, बट हाँ मतलब मजा आया. ये नहीं पता कि बहुत अच्छा किया कि बुरा किया, आई डोंट नो दैट. So, आपने अभी तक 4 shows डायरेक्ट कर लिए, गुल्लक, बैचलर सीजन 1, सीजन 2 और अभी लेटेस्ट ऑपरेशन MMBS. तो इन 4 show में काफी एक्सपीरियंस रहा है, तो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए, मतलब जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं जिनको डायरेक्टर बनना है, तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू देम, कैसे वो लोग स्टार्ट करें अपना करियर? यार एडवाइस यही होगी कि सबसे पहले तो आई थिंक अगर सबसे पहले क्राफ्ट को सीखना जरूरी है, डायरेक्शन हो या राइटिंग हो या कोई भी चीज़ हो, आई थिंक सबकी नॉलेज होनी जरूरी है. तो जो कोई भी ऐसा इंसान है जिसको फिल्म मेकर बनना है, तो सबसे पहले अगर वो या बंदा या बंदी अगर फिल्म स्कूल जा सकते हैं, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं फिल्म स्कूल जाना, तो उन्हें डेफिनेटली जाना चाहिए. अगर नहीं तो उन्हें यहाँ आके या जहाँ पे भी वो आए वहाँ पे रह के पहले तो पढ़ाई करें, फिल्में देखें डिफरेंट तरह की. और आई थिंक शॉर्ट फिल्म बनाना बहुत जरूरी है. मतलब मैं बहुत मानता हूँ कि नॉलेज आप गेन कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे तो आपकी नॉलेज शार्प नहीं होगी. क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में देखी होती हैं, बहुत कुछ पढ़ा होता है, बट वो सिर्फ यहाँ रहता है. अगर आप जब तक उसको अप्लाई नहीं करोगे तो वो अप्लाई आप कैसे करते हो? आप शॉर्ट फिल्म बनाते हो तो आपने कहीं कुछ देखा होता है, आप उस चीज़ को अप्लाई करते हो शॉर्ट फिल्म में, या आप कुछ स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो उस चीज़ को आप अपनी स्क्रिप्ट में अप्लाई करते हो. तो डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट है बनाना, फिल्में बनाना, शॉर्ट फिल्म बनाना. और अगर आप बॉम्बे में हैं तो अगर फिल्म स्कूल नहीं जा पाए हैं किसी कारण की वजह से, तो बॉम्बे में आके फिर ट्राई करिए कि असिस्ट करने का मौका मिले कहीं किसी फिल्म में या किसी वेब सीरीज में. और अब तो काफ़ी वेब सीरीज बन रही हैं, काफ़ी फिल्में बन रही हैं, इनफैक्ट वेब सीरीज ज़्यादा बन रही हैं फिल्मों के मुकाबले. तो असिस्ट करना बहुत ज़रूरी है. और मैं ये भी कहता हूँ कि असिस्ट ज़्यादा करना भी मतलब हार्मफुल है. हार्मफुल नहीं है, बट मतलब जब आप एक असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं और आप एक डायरेक्टर होते हैं, बहुत बड़ा फर्क है. आपको लग रहा होता है आप सीख रहे हो, लेकिन जब तक आप खुद उस चीज को एज अ डायरेक्टर बन के वो नहीं करते, तब वो बहुत आप उसमें रहते हो कि हाँ मुझे शायद पता है. तो मे बी 2-3 साल असिस्ट कर लिया, 2-4 अच्छे प्रोजेक्ट असिस्ट कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू मेक योर शॉर्ट फिल्म. मतलब आपको नोटिस अगर होना है तो आपको शॉर्ट फिल्म से शुरू करना पड़ेगा डेफिनेटली. और मुझे लगता है आज के टाइम पे YouTube भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, मतलब इनिशियल नॉलेज के लिए
लोगों के लिए जो भी सीखने वाले हैं? डेफिनेटली यार, मतलब अभी तो क्योंकि यार जब पुराने टाइम में जब सोशल मीडिया नहीं था तो अवेयरनेस नहीं होती थी लोगों को कि कहाँ जाएं क्या पढ़ें, क्योंकि मुझे जब मैं बॉम्बे आया था तो मुझे पता भी नहीं था कि FTA जैसा कुछ होता है। मुझे दो उसके आने के 3 साल बाद पता चला, मैंने एडमिशन कर लिया था कि FTA जैसी कोई चीज होती है, NSB जैसी कोई चीज होती है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए है या और जो जो लोग बना रहे हैं शोज वगैरह उनके लिए भी है। जैसे कि 4 शोज आपने किए हैं, तो टेक अस थ्रू द होल क्रिएशन प्रोसेस, मतलब आइडिएशन से लेकर रिलीज तक, मतलब कैसे क्या होता है, मतलब क्या करते हैं डायरेक्टर, कितनी बड़ी टीम होती है, क्या कैसे सब कुछ होता है, ये थोड़ा हमें आप बताओ। मैं एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बताता हूँ जो आजकल OTTs में एक जो चल रहा है बेसिकली। तो सबसे पहली चीज आती है बाइबल। तो कोई भी आप किसी भी OTT के पास जाएंगे आइडिया पिच करने, तो सबसे पहले वो आपसे बाइबल मांगेगा। तो बाइबल क्या होती है? बाइबल जैसा कि टर्म ही बोल रहा है, वो आपके शो की बाइबल है, आपके शो का वर्ल्ड है। उसमें आपके शो के कैरेक्टर्स हैं, वो किस तरह से बात करते हैं, किस उनकी पर्सनल जर्नी क्या है, उनके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या हैं, उनके आर्क्स क्या हैं पूरे सीजन में, और वर्ल्ड क्या है, आपका वर्ल्ड क्या है, कहाँ सेट है, आपका ट्रीटमेंट क्या होगा, किस तरह की राइटिंग होगी, किस तरह का डायरेक्शन होगा, या मे बी किस तरह की इमेजेस आप देख रहे हो उस पर्टिकुलर शो में। और देन आपके season 1 के हर एपिसोड के बिगिनिंग मिडिल एंड या एक बीट बोल लो आप उनको, जो भी आपके एपिसोड हैं, मतलब आपके 5 एपिसोड हैं 10 एपिसोड हैं, वो होने चाहिए। और एट द एंड आई थिंक फ्यूचर ऑफ द शो, ये बहुत जरूरी होता है आजकल, क्योंकि कोई भी OTT एक सीजन वाला शो नहीं प्रेफर नहीं करते वो लोग, तो आगे के सीजन में क्या होगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जब कोई पढ़ रहा है तो वो पढ़ के उसको समझ में आ जाएगी यार इस बंदे ने बहुत ज्यादा रिसर्च कर रखी है, इस इंसान के दिमाग में शो बहुत क्लियर है। दूसरा ये हेल्प करता है जब ऐसे बड़े शो जैसे सीक्रेट गेम, पाताल लोग, या मेड इन हेवन, या और भी कोई शो आप ले लो, तो उसमें सब में मोस्टली आजकल राइटर्स रूम का कल्चर शुरू हो गया। तो राइटर्स रूम में जिस क्रिएटर ने एक शो लिखा है, जिसने बाइबल क्रिएट की है, तो उस बाइबल के थ्रू ही बाकी के राइटर्स जो हैं उस रूम में, अगर वो सिर्फ वो पढ़ लेंगे तो वो पूरा सेम पेज पे आ जाएंगे। तो वो आप बनाते हो, वो आप पिच करते हो, आपका आइडिया अगर अप्रूव हो जाता है देन टीम बनती है। तो सपोज जैसे मैंने एक शो लिखा है, या मैं क्रिएटर हूँ शो का, तो मैं बाइबल लेके किसी नेटफ्लिक्स के पास गया और उनको पसंद आ गया आइडिया, तो नाउ सबसे पहले वो होता है कि इसको लिखेंगे कैसे, क्या मैं अकेले लिखूंगा। मोस्टली ये नहीं होता आजकल के शोज में, क्योंकि बहुत टाइम अकेले मैं लिखूंगा 500 पन्ने तो मतलब 4 साल लग जाएंगे। तो राइटर्स रूम आता है तो राइटर्स खोजे जाते हैं कि इस तरह की राइटिंग कौन लोग कर सकते हैं, या नए राइटर्स या जो भी अच्छे राइटर्स ढूंढे जाते हैं। फिर 4 या 5 मान लो 4 राइटर्स हैं इंक्लूडिंग मी, तो उन चारों में डिवाइड होते हैं एपिसोड। तो उससे पहले एक्चुअली बाइबल लिखने के बाद हम चारों इंक्लूडिंग द क्रिएटर बैठ के पूरे सारे एपिसोड की बीट, सारे एपिसोड में बिगनिंग मिडिल एंड में क्या क्या होगा, वो पूरा मैप बना लेते हैं। एंड देन एपिसोड डिवाइड किए जाते हैं कि जब मैंने 2 एपिसोड लिखे, क्षितिज ने 2 लिखे, किसी और ने 2 लिखे, फिर ये आपके पास स्क्रिप्ट आ जाती है। देन प्रोडक्शन हाउस ऑन बोर्ड आता है और प्रोडक्शन हाउस को एक बजट दिया जाता है उस OTT की तरफ से, और उस बजट के हिसाब से प्रोडक्शन हाउस अपना टैलेंट ढूंढना शुरू करता है। जैसे डायरेक्टर हो गया, इसमें क्रिएटर का ही बहुत बड़ा हाथ होता है कि डायरेक्टर कौन होगा, क्योंकि क्रिएटर अल्टीमेटली क्रिएटर की वॉइस है, उसका शो है, उसका बेबी है। तो बहुत टाइम से भी होता है कि क्रिएटर ही शायद को डायरेक्टर हो या डायरेक्टर हो, ऐसा भी होता है। बट क्रिएटर की चॉइस को ये थोड़ा सा दिया जाता है कि आप अपनी चॉइस का डायरेक्टर ढूंढ सकते हैं। तो डायरेक्टर आता है, फिर बाकी की टीम्स आती हैं, DOP, प्रोडक्शन डिजाइनर, म्यूजिक, कास्टिंग, लोकेशन, आप ये सारी चीजें करते हो और फिर आप शो शूट करते हो। फिर जब एडिट होता है उसके बाद आप स्टूडियो से अप्रूव कराते रहते हो एपिसोड, एंड वंस इट्स रेडी तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि फिल्म मेकिंग एक यू नो इवॉल्विंग प्रोसेस है, तो हाउ डू यू नो कीप अप विद दैट, मतलब आप क्या कुछ ऐसा करते हो जो कि आप एकदम अप टू डेट रहो कि क्या चल रहा है, कौन से नए कैमरे आ रहे हैं, क्या स्क्रिप्ट राइटिंग में थोड़ा और चेंजेस आ रहा है, क्या फॉर्मेट में शो बन रहे हैं, तो व्हाट इज योर होमवर्क यू नो बिहाइंड टू बी अपडेटेड एज अ फिल्म मेकर?
यार वही है, आई थिंक सबसे ज्यादा देखना और पढ़ना, मतलब वही है कि जो भी पहले तो क्योंकि मैं बहुत पीछे हूँ बाकी पुरानी जो फिल्में हैं उनको देखने में, मैंने देखी हुई है बट एज अ डायरेक्टर जितनी मुझे देखनी चाहिए वो शायद मैंने नहीं देखी थी। तो ये मैंने पिछले साल से जॉब छोड़ने के बाद मैंने प्रॉपर एक अपने आप को समझाया कि मुझे फिल्में देखना मतलब मैं ये धर्म है मेरा, बहुत जरूरी है रिसर्च, हाँ बहुत जरूरी है देखना और पढ़ना। मतलब उससे पहले मैं बुक रीडिंग भी नहीं करता था, तो मैंने पिछले 1.5 साल में मैंने पढ़ ली है 10 बुकें किताबें पढ़ी हैं। और तो मतलब कोई भी मतलब अकीरा कुरोसावा से लेके वर्नर हर्जॉग से लेके कोई भी डायरेक्टर आपको यही बोलेगा कि रीड 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 एंड वॉच वॉच वॉच। तो वही आई थिंक मतलब मैं प्रैक्टिस में ऐसे करता हूँ कि जैसे मुझे जब डायरेक्शन की प्रैक्टिस करनी होती है या जैसे लोग बोलते हैं ना कि डायरेक्टर प्रैक्टिस कैसे करे, तो मैंने एक तरीका निकाला है अपने लिए, अब ये मेरे लिए काम करता है। तो मैं क्या करता हूँ कि कोई मैं एक स्क्रिप्ट उठाता हूँ बाहर मतलब किसी भी फिल्म की जो मैंने देखी नहीं है। ओके जैसे मान लो मैंने सपोज मैंने पैरासाइट नहीं देखी और मैंने पैरासाइट की स्क्रिप्ट उठाई, अब मैं क्या करता हूँ मैं पैरासाइट के 4 पेज पढ़ता हूँ या 4 सीन मैंने पढ़े पैरासाइट के, फिर मैं उन 4 सीन का शॉर्ट ब्रेकडाउन लिखता हूँ अपने हिसाब से। अच्छा। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अगर मैं बॉन्ग जून हो की जगह होता तो मैं क्या करता है यहाँ पर। Nice. तो मैं शॉर्ट्स लिखता हूँ कि मैं ओपनिंग में ये करूंगा, फिर मैं यहाँ से मास्टर होगा, ये क्लोजअप्स होंगे मिड होंगे, तो मैं सारे शॉर्ट्स लिखता हूँ और उसके बाद वो 5 सीन करने के बाद मैं फिल्म देखता हूँ कि डायरेक्टर ने क्या किया। Okay. तो ना ये एक्सरसाइज मुझे बहुत मतलब मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। मैंने रिसेंटली जोडियाक के लिए किया, स्पॉटलाइट एक फिल्म उसके लिए किया और 2-3 और फिल्मों के लिए, तो मैं ये करता रहता हूँ। तो मुझे बड़ा मजा आता है कि यार ये सीन है इसमें मैं क्या करूंगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी थिंकिंग बढ़ती है आप, क्योंकि मतलब आप जब देखोगे दूसरी फिल्में, जब आप अपना विजन और दूसरे का विजन कंपेयर करते हो कि यार मैं ये क्यों नहीं सोच पाया। और जब ये एक्सरसाइज आप करोगे तो जब आप अपनी कोई कुछ कभी शूट करोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ मैंने पैरासाइट में इस मूवमेंट को देखा था यार, ये मैंने प्रोटैगनिस्ट की एंट्री ऐसी हुई थी, तो वो वाली चीजें आपको ध्यान में रह जाती जब आप, क्योंकि जब आप वही है ना लिखते और रफ वर्क करते हो तो वो चीजें ध्यान में रहती। तो रादर देन जस्ट वॉचिंग फिल्म आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो डीप इनटू इट कि यार किया कैसे। तो ये एक्सरसाइज और मैं स्क्रीन प्लेज भी मैं पढ़ता रहता हूँ, मतलब ये मैंने शुरू कर दिया है पिछले 1.5 साल में, मैंने काफी स्क्रीन प्लेज पढ़े हैं और उसमें भी मैंने एक और एक्सरसाइज निकाली है जो मैंने एक अभी मैंने बुक पढ़ी सेव द कैट करके स्क्रीन प्ले राइटिंग की बुक है। Okay, तो उसमें एक एक्सरसाइज थी कि फिल्म देखो स्क्रिप्ट पढ़ो और उसकी बीट शीट बनाओ। Nice. तो मतलब एक एक फिल्म में कम मतलब 12-15 बीट होती है मेन बीट। तो हर मतलब इंटरनेट पे तुमको डिफरेंट तरह के बीट शीट मिल जाएंगे, एग्जांपल जैसे सेव द कैट का एक अलग फॉर्मेट है, नो फिल्म स्कूल करके एक वेबसाइट है उसका एक अलग फॉर्मेट है। काफी वो फॉर्मेट में जो तुम्हें सही लगे तो मैं वो फॉर्मेट उठा के सेव द कैट का मैं फॉलो करता हूँ। तो मैंने स्पॉटलाइट के लिए अगेन मैंने वो किया कि मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, कुछ स्क्रिप्ट थी वो 190 पन्ने की स्क्रिप्ट थी वो मैंने पूरी पढ़ी, फिर मैंने हर बीट को लिखा कि इस बीट में क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो उससे मुझे पता चलता है कि यार ये फॉर्मेट ऑफ स्क्रीन प्ले राइटिंग मतलब वैसे तो पता है, मतलब वैसे वो वाली चीजें तो सबको पता होती है कि 3 एक्ट होते हैं यहाँ पे प्लॉट पॉइंट 1 प्लॉट पॉइंट 2, बट जो अंदर तक डिटेलिंग है ना कि वो नुआंसेस क्या है, तो वो वाली चीजें। तो ये दो एक्सरसाइज मुझे राइटिंग और डायरेक्शन दोनों में बहुत हेल्प कर रही है एज अ फिल्म मेकर। तुम्हें फिल्म के बारे में क्या लगा? जैसे ये भी एक्सरसाइज अच्छी है कि एक फिल्म में देखता हूँ तो मैं उसकी लॉगलाइन खुद से लिखता हूँ, अगर मुझे समझाना हो किसी को तो मैं उसकी लॉगलाइन लिखता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ IMDb की इसकी लॉगलाइन क्या है, तो उससे आपका लॉगलाइन लिखने का भी सेंस अच्छा होता है। और लॉगलाइन लिखना बहुत जरूरी है इनके राइटर्स को या जो डायरेक्टर्स हुआ ट्राइंग टू बिकम राइटर्स। तो ये एक्सरसाइजेस हैं कुछ जो मैंने अपने लिए डिजाइन किए, तो बड़ा मजा आता है ये सब करने में। बढ़िया, अभी काफी लोग ये सुन के फॉलो करना शुरू करेंगे। मैंने भी स्क्रीन प्ले पढ़ना अभी लॉकडाउन में शुरू किया है, 2-3 स्क्रीन प्लेस पढ़े हैं अक्टूबर का आर्टिकल 15 का। तो मैं क्या करता हूँ पहले मैं 5-10 पन्ना पढ़ता हूँ फिर मैं फिल्म देखता हूँ जाके कि क्या हो कैसे वो हो रहा है चीजें कैसे हो रही है।
बड़ा बड़ा मजा आता है, मतलब कि हाँ अरे जो पेपर पे लिखा है वैसा ही कुछ हो रहा है। सो शोज की बात हुई, स्क्रीन प्लेस की बात हुई, तो देखने की बात हुई शोज फिल्म्स, तो ये बताओ कि 5 इंडियन और 5 फॉरेन ऐसे फिल्म्स या वेब शोज आप सजेस्ट करोगे जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स या किसी को भी देखना चाहिए जो भी फिल्म लाइन में है या जो भी फिल्म एंथुजियास्ट है, तो व्हाट विल बी योर रिकमेंडेशन? 5 इंडियन में तो आई थिंक सबसे पहले मैं, जो मेरा फेवरेट शो एक्चुअली वो बहुत अंडररेटेड है, ये वायरस ने प्रोड्यूस किया था, एक शो है पाउडर। पाउडर यशराज ने याद होगा अगर टीवी पे कुछ शो शुरू किए थे 2010 में, जैसे माही वे था, पाउडर था और भी कुछ शोज थे और वो बहुत अच्छे डिफरेंट तरह के शो थे, ऐसा लगता था टीवी में कुछ नया वेव आया। पाउडर में पंकज त्रिपाठी की बेस्ट परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है जो मिर्जापुर और ये सारी मतलब ऑफकोर्स में भी अच्छे हैं लेकिन पाउडर में जो उन्होंने किया था वो बहुत सुपीरियर था उस टाइम। वहीं से निकला है सब मिर्जापुर का रोल्स वगैरह, वहीं से। हाँ एग्जैक्टली, तो पाउडर आई थिंक मतलब मुझे लगता है पाउडर इंडिया का नार्कोस है उस टाइम का। अग्री, तो वो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करना चाहूंगा जो जिन लोगों ने नहीं देखी है, नेटफ्लिक्स पे। दूसरा मैंने अभी रिसेंटली एक शो देखा, एक डॉक्यूमेंट्री देखी, स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री विच इज कॉल्ड द लास्ट डांस। ओके, वो जो डॉक्यूमेंट्री है ना भाई, मतलब 10 एपिसोड्स हैं उसके। इट इज अबाउट बेसिकली माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर और वो शिकागो बुल्स करके एक टीम थी उनके लिए खेलते थे। तो शिकागो बुल्स और माइकल जॉर्डन की जो जर्नी रही है कि माइकल जॉर्डन को ग्रेट लोग क्यों बोलते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो मतलब जो भी उस डॉक्यूमेंट्री को देखेगा ना, मतलब मैं जिंदगी भर के लिए मोटिवेट हो गया। एक शो है मैडमैन करके, मैडमैन करके एक शो है, वो 1960s में किस तरह की एडवर्टाइजिंग होती थी यूएस में उस पर फोकस करता है। और मैडमैन मेडिसन एवेन्यू करके एक एजेंसी है, वहां के लोग अपने आप को मैड, तो मेडिसन से मैड उठाया उन्होंने, मैडमैन उसका नाम है शो का। और उसमें जॉन हैम है जिनको भी शायद लास्ट तुमने बीवी ड्राइवर में देखा होगा। एक फैमिली ड्रामा शो है, मतलब अपार्ट फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया में मतलब मेरा फेवरेट फैमिली ड्रामा शो ये मेरी फैमिली है। और यूएस का जो फैमिली ड्रामा शो है जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, दिस इज अस, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स, एक फैमिली ड्रामा है बेसिकली, एक हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चों की कहानी। और मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स के साथ नॉन लीनियर फॉर्मेट में कैसे जाना है, और मतलब वो मतलब स्क्रीन प्ले का स्ट्रक्चर वैसा है कि वो जगल करता है उनके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब वैसा। तो वो मल्टीपल कैरेक्टर्स के साथ इतना नॉन लीनियर जाते हैं और इतना इंटरेस्टिंगली दिखाते हैं कि आई थिंक वो स्क्रीन राइटिंग के लिए बहुत अच्छा वो है। उसका मतलब किसी को भी अगर वो शो देखना है तो उसका जस्ट पायलट देख लो, मतलब। हाँ एक शो है बैरी करके, एक शो है बैरी, देखा है, देखा हो? हाँ अरे बैरी तो फेवरेट है, मतलब बैरी हॉटस्टार पे बिल हेदर ने क्रिएट किया, बिल हेदर जो ट्रॉपिक थंडर और सुपर बैड में उनको शायद देखा होगा आप लोगों ने। बैरी का प्रिमाइस ही इतना सही है ना, मतलब डार्क कॉमेडी प्लस क्राइम थ्रिलर, एक 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 हिटमैन को सडनली एक्टर बनना है, उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है और मतलब वो थिएटर मतलब अपने प्रैक्टिस के लिए भी जा रहा है और उसको हिटमैन की जॉब भी करनी है, तो वो दोनों जॉब्स के बीच में जगल कैसे करता है और उसके जो उसकी जो वर्कशॉप लेते हैं उनके टीचर, उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत अमेजिंग है। थोड़ा डेक्स्टर की फील आती है उसमें। हाँ राइट, और वो शक्ल भी मिलती है ना डेक्स्टर में। हाँ थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो हैरी बहुत सही है। तो आई थिंक मतलब बाकी आई थिंक तो जो शोज हैं वो तो लोगों ने देखी है, फार्गो हो गया, ब्रॉड चर्च हो गया, और बट ये जो 4-5 शोज मुझे लगता है ये जरूर देखने के लोगों को, वो जरूर देखें। ओके, सो एक पर्सनल क्वेश्चन है बेसिकली फैमिली से रिलेटेड, तो जब आपके पेरेंट्स ने, आपकी फैमिली ने आपका नाम पहली बार डायरेक्टेड बाय में देखा था कि डायरेक्टेड बाय अमृत राज गुप्ता, तो मतलब उनका रिएक्शन कैसा था, मतलब यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, वो कभी कोई भूलेगा नहीं, तो इसके बारे में थोड़ा वो क्या फीलिंग थी? तो सबसे पहला आई थिंक मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, आयान नाम है उसका, एक
कंपटीशन था शुरुआत का इंटरवल करके, उसमें उसमें वो शॉर्ट फिल्म आई थी। वो शॉर्ट फिल्म एक एज एन एंथोलॉजी रिलीज हुई थी, अदर मतलब सात और शॉर्ट फिल्म थी और मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी, तो इंटरवल थीम थी शॉर्ट फिल्म ग्राउंड। तो वो रिलीज हुई थी पीवीआर डायरेक्टर्स रेयर कैटेगरी में और सात सिटीज में रिलीज हुई थी वो फिल्म। तो छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म थी, 10-15 मिनट की। तो मैंने अपनी फैमिली को, हमने सीतापुर से दिल्ली भेजा था जस्ट टू वॉच दैट 15 मिनट फिल्म। पूरी फैमिली गाड़ी बुक करके दिल्ली गई थी, क्योंकि वो पहली ऐसी हमारी फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी जो बड़े पर्दे पे रिलीज हुई थिएटर में, और ये बात है 2014 की। तो मतलब वो आई थिंक जब, क्योंकि हम लोग तो थे नहीं वहां पे, बट आई थिंक जब हमने बात की देखने के बाद फिल्म पापा मम्मी और लोगों से, तो वो फीलिंग बहुत स्पेशल गई थी कि अपने बच्चों का नाम, अपने बच्चों को बड़ी स्क्रीन पे देखना। अभी ना everyone you know is making content, making web series to be very specific. तो और टीवी वाले लोग भी, टीवी वाले प्रोडक्शन हाउस के लोग भी कूद रहे हैं पूरा कि हाँ हमें वेब सीरीज बनाना है, मतलब बेसिकली बहती गंगा में हाथ धोना है। तो इस चीज पर मतलब क्या टेक है, क्योंकि जब सारे लोग बना रहे हैं, टीवी वाले लोग बना रहे हैं, तो अब कंटेंट का थोड़ा क्वालिटी भी कम हो रहा है, और क्या कर रहे हैं टीवी वाले लोग, टीवी वाले कॉन्सेप्ट को ही घुमा फिरा के वो वेब सीरीज बना रहे हैं, तो इस पे व्हाट इज योर टेक? देखो हम लोग कुछ कर नहीं सकते इस चीज का, मतलब हम क्या हम होप कर सकते हैं कि अच्छा कंटेंट बने। मतलब आई थिंक बेस्ट यही हुआ कि जो भी खराब शोज बन रहे हैं अगर उसको हम ही लोग रिजेक्ट कर दें, और आई थिंक वो हो भी रहा है। जैसे कोई खराब शो अगर आता है आजकल ओटीटी में तो वो कोई नहीं देखता है, लिटरली उसकी कोई बात नहीं होती। और एक अच्छा शो आता है जैसे रिसेंट एग्जांपल पंचायत और पाताल लोक, उसकी पूरी दुनिया बात कर रही है। तो वो आई थिंक ये आई थिंक इवॉल्विंग प्रोसेस, और इसमें टाइम लगेगा कि एक शायद ऐसा टाइम आया जब सिर्फ अच्छी फिल्में बने। मतलब ये बहुत बहुत बड़ा होप है, बट शायद मतलब शायद ऐसा 20-30 साल बाद हुआ ऐसा। तो आई थिंक वही है कि देखो तुम किसी को काम करने से तो नहीं रोक सकते, बिल्कुल ठीक है। तो जो टीवी में, जो टीवी के लोग थे वो जो वेब में जो काम कर रहे हैं, तो उसमें से आई थिंक कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खराब भी काम कर रहे हैं। तो आई थिंक वो ऑडियंस पे ही है कि कोई खराब शो है या बहुत खराब शो है तो उसको उसको ना देखें। सो आई एम होपिंग कि लोग, और आई थिंक सबको ये रियलाइज होगा धीरे धीरे कि विद द सक्सेस ऑफ शोज लाइक पंचायत, पाताल लोक और भी मेड इन हेवन, तो कोटा फैक्ट्री, तो आई थिंक लोगों को ये रियलाइज होगा कि यार किस तरह की राइटिंग या किस तरह के वर्ल्ड पसंद आ रहे हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छा शो अगर बनाना है। तो वो तो है कि अच्छा बुरा कंटेंट तो देखो फिल्मों में भी है, और वो सब वो अपना चॉइस है, मतलब उसको हम नहीं कुछ, मतलब वो एज एन ऑडियंस ही, अगर ऑडियंस रिजेक्ट करती किसी फिल्म को तो फिर तभी होता है। अभी व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू, तो मैंने ट्विटर पे देखा कि आपने कोई तो विक्रमादित्य मोटवानी की यू नो क्लास अटेंड करी है, तो उसके बारे में उसके की पॉइंट्स शेयर करें हमारे साथ। हाँ वो क्लास पोस्ट प्रोडक्शन पे थी, 5 घंटे क्लास थी और मजा आ गया मतलब सत्यांशु की। अच्छा एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स वाला सवाल था, सो ऑल दी एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स राइटर्स हु आर वाचिंग दिस, आई थिंक दे शुड फॉलो सत्यांशु सिंह ऑन ट्विटर, ऑन इंस्टाग्राम हिज आईडी इज cinemaisforever.com, मतलब cinemaisforever। तो मैं सत्यांशु को फॉलो करने के लिए से बोल रहा हूँ, बिकॉज वो ऑफन ऐसे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे उन्होंने अभी एक विक्रम सर के साथ किया, अंजुम राजाबली स्क्रीन राइटर उनके साथ किया था, सुजीत सरकार के साथ किया था, और भी बहुत सारी चीजों पे वो। तो आप घर बैठे बैठे ये सारी नॉलेज ले सकते हो कि आपको विक्रम मोटवाने सामने, मतलब विक्रम मोटवाने 5 घंटे काम लेंगे यार लाइफ, उन्होंने 5 घंटे लिटरली उन्होंने अपनी फिल्म के क्लिप्स दिखाए हैं हमें कि पहले क्या था, फर्स्ट कट रफ कट क्या था, उड़ान का एक सीन दिखाया, उसके बाद हमने म्यूजिक में क्या चेंजेस किए, कट में क्या चेंजेस किए और लेंथ कैसे छोटी की वो दिखाया, फिर उन्होंने बताया कि रीजन क्या है, सीक्रेट गेम्स के सीन्स दिखाए उन्होंने, ट्रैप्ड के सीन्स दिखाए उन्होंने, भावे जोशी में कुछ जो वीएफएक्स शॉट्स हैं वो उन्होंने कैसे किए वो सब बताया। तो बहुत बहुत फन वो था। तो आई थिंक ऑल द एस्पायरिंग डायरेक्टर्स राइटर्स शुड डू दीज क्लासेस एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज आप घर पे बैठे हुए आपको ये सारी चीजें कहीं किताबों में नहीं, आप कभी विक्रम सर से 5 घंटे की मीटिंग जिंदगी में नहीं होने वाली किसी की, या अंजुम राजाबली से या सुधीर सरकार से, और बहुत मतलब कम पैसों में आप उस चीज को, उस चीज का एक्सपीरियंस ले सकते हो।
उससे ये था कि जो सबसे बड़ा पॉइंट उन्होंने बोला कि जो सवाल था लोगों का कि यार फिल्म मेकिंग कैसे चेंज होगी कोविड के बाद, तो उन्होंने ये बोला कि जो मुझे भी बहुत अच्छा लगा पॉइंट कि एवरी फिल्म मेकर और एन एस्पायरिंग फिल्म मेकर शुड नो अ लिटिल अबाउट VFX बिकॉज VFX अब बहुत सारी चीजें VFX से होंगी आगे जाके, बिकॉज आप 1000 लोगों का क्राउड या 500 लोगों का क्राउड आप शायद मैनेज नहीं कर पाओगे, आपको अगर सेट पे इतने सारे लोग चाहिए जो बड़े शो में चाहिए होते हैं लोगों को, तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे, या इनफैक्ट जो जो चीजें VFX हो सकती हैं वो तो सारे तो जितने फिल्म मेकर्स हैं उनको थोड़ा बहुत VFX का नॉलेज होना चाहिए, तो ये एक क्योंकि VFX तो इन जनरल भी आने वाले 50 साल बाद तो मतलब बहुत सारी चीजें VFX से हो रही होंगी. Correct. और तो ये सीखना जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको सीखना, उनको एटलीस्ट पता होना चाहिए, और उससे VFX सिर्फ बिकॉज कोरोना है इसलिए नहीं, VFX से आपका विजन बड़ा होता है. आप वैसी चीजें कर सकते हो जो आप शायद कैमरा के साथ नॉर्मल नहीं कर सकते, आप बहुत बढ़िया आपका विजन होराइजन बड़ा होता है. OTT पे फिल्म रिलीज की बात निकली है तो और अभी बहुत ये चल रहा है भसड़ है ना नेट पे कि इनॉक्स वगैरह लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत है, तो व्हाट डू यू थिंक, ये गलत है या सही है? ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एम्पावरमेंट मूव है. मतलब मान लो मैंने एक फिल्म बनाई है जो 2 करोड़ में बनी है और उसमें कोई नॉन स्टार नहीं है, और अगर मुझे कोई OTT 5 करोड़ दे रहा है उसके लिए तो मैं क्यों नहीं बेचूंगा उसको, क्योंकि मेरी फिल्म मैं पहले तो मैं इतना पैसा खर्च करके मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसमें अलग 2-3 करोड़ चले जाएंगे, उसके बाद वो थिएटर में आएगी, थिएटर वाले कोई बड़ी फिल्म आती तुरंत हटा देते हैं. हाँ. तो मेरी फिल्म एटलीस्ट नेटफ्लिक्स पे है या किसी OTT पे है तो वो कम से कम 2 साल है वहां पे और उसको लोग देख सकते हैं दोबारा और उससे ऑडियंस बढ़ती जाएगी, तो डेफिनेटली इससे और फिल्म मेकर्स को करेज मिलेगा अपनी फिल्में बनाने का, कि मतलब यही सिर्फ एक मीडियम नहीं है कि कोई बड़ा स्टार लेना पड़ेगा तभी रिलीज होगी फिल्म, नहीं तुम छोटे स्टार एक अच्छे एक्टर के साथ भी फिल्म बना सकते हो, तो आई थिंक इससे इनकरेजमेंट मिलेगा यार और ये बहुत अच्छी चीज है मेरे मतलब. बेसिकली स्मार्ट अडॉप्टेशन है. डेफिनेटली यार मतलब 100%. और यार मुझे वो नहीं लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि सिनेमा बंद हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता. ऑफ कोर्स मतलब जो इवेंट फिल्में होंगी जैसे सूर्यवंशी हो गई या 83 सिम्बा हो गई, तो वो तो मैं भी यार सिनेमा में ही देखूंगा जाके, या मैं टेनेट जैसी फिल्म हो गई या नोलन की फिल्म हो गई बिल्कुल, या वॉर फिल्म्स हो गई, वो तो मैं सिनेमा में ही देखूंगा जाके, वो घर में कितने बड़े टीवी लगा लें कोई फील नहीं आएगी, वो हॉल में ही फील आएगा. तो मेरे हिसाब से सिनेमा हॉल्स कभी खत्म नहीं होने वाले. वही है जैसे जैसे IPL होता है ना, क्रिकेट में से IPL शुरू हुआ तो IPL ने सबको एम्प्लॉयमेंट दे दिया ना, तो OTT नाइस मतलब कंपैरिजन. So that's it. I guess we are at the end of the interview. So guys, if you like this interview or इन्होंने पास्ट में जो बहुत अच्छे लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री. बहुत हार्डवर्किंग लोग हैं और बहुत मेहनत से इस चैनल को खड़ा किया है आकाश क्षितिज और इनकी टीम ने, तो प्लीज सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री फॉर मोर सच वीडियोज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट फिल्म मेकिंग वेब सीरीज एंड अदर स्टफ.